ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी औरैया की, जहां बिदुना में धूमधाम से मनाई गई महात्मा गांधी की जयंती, और दिखाएंगे बहराइच में कैसे रात के अंधेरे में सफेद बालू का काला कारोबार जारी है। आगे चर्चा करेंगे सोनभद्र की, जहां राम मंदिर में रामलीला का शुभारंभ ओबरा सीओ हर्ष पांडे ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। पर औरैया से है, जहां उत्तर प्रदेश जनपद औरैया तहसील मुख्यालय बिदुना कस्बा के विद्यालय गजेंद्र सिंह पब्लिक इंटर कॉलेज में बुधवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम से मनाई गई। स्कूली बच्चों ने पहले सफाई अभियान चलाया, फिर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सर्वप्रथम विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष ने प्रधानाचार्य के साथ झंडा फहराया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस पूरी तहसील में श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी राजकीय भवनों, कार्यालयों एवं संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कस्बा के गजेंद्र सिंह पब्लिक इंटर कॉलेज बिदुना के परिसर में प्रबंध समिति के अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह सेंगर ने विद्यालय भवन पर तिरंगा झंडा फहराया और महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर माल्यार्पण किया और विद्यालय के संस्थापक, प्रबंधक, पूर्व विधायक एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गजेंद्र सिंह बाबू जी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। इस अवसर पर सूर्यवंश सिंह सेंगर, आशीष सिंह चौहान, मिथिलेश त्रिवेदी, शैलेंद्र सिंह, उदय प्रताप सिंह जादौन, राजेंद्र सिंह गौर आदि शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। खबर बहराइच से है, जहां रात के अंधेरे में सफेद बालू का काला कारोबार जारी। अवैध खनन करके आ रही दो ट्रैक्टर ट्रॉली सीज किए गए। सगदाही से बालू लेकर शहर में दो ट्रैक्टर ट्रॉली पहुंची थी। शहर के घंटाघर पर पकड़ी गई दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली। खनन अधिकारी मनीष कुमार ने दोनों ट्रॉली को किया सीज। नगर कोतवाली में खड़ी की गई हैं दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां बिल्हौर नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत भगत सिंह नगर में एक गेस्ट हाउस में मुशायरे का आयोजन किया गया। वहीं मुशायरे में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष टीम मोदी सपोर्टर सलमान टीटीएस व विशिष्ट अतिथि के रूप में बिल्हौर ब्रेकिंग के संपादक अनूप वर्मा पहुंचे, जिनका माला व अंग वस्त्र के साथ स्मृति चिन्ह देकर जोरदार इस्तकबाल किया गया। वहीं विशिष्ट अतिथि व मुख्य अतिथि सलमान टीटीएस ने फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। आपको बता दें, मुशायरे में युवा शायर अजहर मंसूदी को दिलशाद ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन सदर रहवर ने कराया। वहीं बिल्हौर से मुशायरे में तशरीफ लाए युवा शायर मुस्तवीन एम के, दिलशाद फैजान अहमद व मकनपुर से हसनैन अजीज जाफरी व रफ़ी मिस्तवाही मुजहब जाफरी कानपुर ने शिरकत की। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अफाक की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का प्रदर्शन जारी है। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का विरोध किस बात का है? शासन के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र में नई भर्ती की जा रही है। इसका वेतन 10,000 रुपये है, जबकि वर्तमान कार्यकर्त्रियों का वेतन 6,000 है। इसी वेतन विसंगति को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का कहना है कि उनका वेतन 10,000 किया जाए, क्योंकि वह पुराने समय से काम कर रही हैं और स्नातक और परास्नातक जैसी डिग्रियों के साथ कार्य का अनुभव भी रखती हैं। मेरा नाम लीना त्रिपाठी है, मैं आंगनबाड़ी कर्मचारी और सहकार एसोसिएशन की हूँ, जिलाध्यक्ष हूँ और प्रदेश महामंत्री। क्या मामला है, आज आप लोग धरना दे रहे हैं? हम लोग स्थापना दिवस पर एजुकेटर भर्ती का विरोध दिवस मना रहे हैं। क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोगों की मांगे हैं कि हमारी बहनें इतना काम करती हैं, सब कुछ करती हैं, फिर एजुकेटर की भर्ती राज्य सरकार क्यों निकाल रही है? हम ऑलरेडी हम लोग वो काम कर रहे हैं, हमारे सन 75 की योजना है, तब से हम लोग वही काम कर रहे हैं। अगर करना ही है सरकार को तो अदर विभाग का काम कम करे ना, हम लोगों के ऊपर एजुकेटर भर्ती क्यों लागू करें? हम लोग इसी का ट्रेनिंग भी कर चुके हैं और वही सब काम कर रहे हैं, और उसके लिए मानदेय भी उन्होंने ज़्यादा रखा, हम लोगों को सिर्फ 6,000 दे रहे हैं। सन 75 की योजना है, उनको हमारे मानदेय बढ़ोतरी के विषय में उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है, उनको सिर्फ दिख रहा है एजुकेटर भर्ती से हमारा काम कम हो जाएगा। काम कम क्या हो जाएगा? एजुकेटर भर्ती होने से उन लोगों ने तो हम लोगों के ऊपर प्रेशर लागू कर दिया है कि आंगनबाड़ियाँ काम कुछ नहीं करती और अदर विभाग का काम हम लोग करते हैं, वो उनको नहीं दिखाई पड़ता है। और एजुकेटर भर्ती के लिए उन्होंने 10,000 मानदेय घोषित किया, 10,313, और हमारी बहन सन 75 से काम कर रही हैं, उनको मात्र 6,000 में उनका जीवन यापन कर रहा। इतनी महंगाई में उन्होंने मानदेय बढ़ोतरी का नहीं सोचा, एजुकेटर भर्ती का उन्होंने सोचा। ये हम लोगों के लिए बड़ी दुखद और दयनीय स्थिति है, और आज इन्होंने एजुकेटर की भर्ती की है, कल हो सकता है ये लोग हम लोगों के आंगनबाड़ी केंद्र बंद करने की योजना निकाल दें, इसलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने दिन धरना चलेगा? अगर हम लोगों की मांगे पूरी न हुई तो काम बंद, कलम बंद, अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट।
खबर सोनभद्र से है, जहां ओबरा नगर पंचायत के अंतर्गत राम मंदिर में श्री रामलीला का शुभारंभ ओबरा सीओ हर्ष पांडे द्वारा फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया। ओबरा सीओ ने आरती कर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता व राम भक्त हनुमान का माल्यार्पण कर पूजा अर्चन किया गया। बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ओबरा नगर के मेन बाजार में राम मंदिर के प्रांगण में रामलीला का शुभारंभ किया गया। रामलीला के सभी पदाधिकारी ने हर्षोल्लास के साथ रामलीला का शुभारंभ किया, जिसे देखने के लिए दूर दराज से आए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग गई। प्रशासन द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद रहे। रामलीला के इस पावन पर्व के अवसर पर संजीव चौबे, पुष्पराज पांडे, आशीष तिवारी, समीर माली, अरविंद सोनी, कुमार सौरभ सिंह, सुमित खन्नी, बब्बू तिवारी, वीरेंद्र मित्तल, समाजसेवी रमेश सिंह यादव आदि कार्यकर्ता व कमेटी के लोग मौजूद रहे। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।